मैं रेखा जैन और आप देख रहे हैं जालौर जन समय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पार्षदों की नगर परिषद कार्य सुचारू करने की मांग। स्कॉर्पियो ने लिया बुजुर्ग को चपेट में, हुई मौत। विद्यालय में बिजली कनेक्शन के बाद लगे पंखे। निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र पर मिली अनियमितता। भादराजू में पेंशन शिविर का हुआ आयोजन। लघु रुद्र युग महोत्सव का हुआ आयोजन। और जिले भर के विद्यालयों में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। पार्षदों ने की नगर परिषद कार्य सुचारू करने की मांग। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद जालौर में अगजनी कांड के बाद अभी तक नगर परिषद का कार्य सुचारू नहीं हो सका है और नई विभिन्न कमेटियां बन सकी हैं, जिसमें कम से कम नगर परिषद के समस्त पार्षदों ने सभापति एवं उपसभापति के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस मामले की अग्रिम कार्यवाही कर परिषद का कार्य सुचारू करवाने की मांग करी। इसी दौरान कहीं पार्षद सहित पूर्व उपसभापति मंजू सोलंकी भी मौजूद रही। स्कॉर्पियो ने लिया बुजुर्ग को चपेट में, हुई मौत। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह थाना क्षेत्र अंतर्गत बुगांव निकट अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे लघु शंका कर रहे एक बुजुर्ग को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन पलट गया। सूचना के बाद पुलिस ने मौका मुआवना किया और वाहन को जब्त किया। पुलिस के अनुसार मृतक को भतीजे दलपत सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि दोनों बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बुगांव के निकट लघु शंका करने के लिए बाइक को रोका। इसी दरमियान एक स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें सरदार सिंह को मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद स्कॉर्पियो भी पलट गई, जिससे गाड़ी में सवार गंभीर घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। इस बारे में पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो चालक मौके पर ही फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के साथ परिजनों को सुपुर्द कर दिया। विद्यालय में बिजली कनेक्शन के बाद लगे पंखे। ध्यानचंद अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार जिले के बागरा के निकट अकोली में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुगलडा धानी स्कूल में कुछ दिनों पूर्व भामाशाहों के सहयोग से बिजली कनेक्शन के लिए भामाशाहों ने करीब 1 लाख की डिमांड राशि भरकर विद्यालय में बिजली कनेक्शन लेकर रोशन किया। पंचायत सहायक पूरण सिंह कापावत ने बताया कि भामाशाहों द्वारा एकत्र राशि करीब 1,36,000 हुई थी। उक्त राशि में से बिजली कनेक्शन के बाद शेष बची राशि से विद्यालय में लाइट फिटिंग करवाकर भवन में आगामी गर्मी से बच्चों में मौसम को निजात प्रदान करने के लिए पंखे लगाए गए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। निरीक्षण में आंगनबाड़ी केंद्र पर मिली अनियमितता। सुंधा माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों का तहसीलदार रामलाल मीणा ने कलापुरा केंद्र का निरीक्षण किया। वहां पर कार्यकर्ता नदारद भाई गई एवं वह कहीं लापरवाही सामने आई। वहां गर्भवती महिलाओं को वितरण होने वाले पोषाहार का निरीक्षण किया गया, जिसमें महिलाओं को 930 ग्राम के पैकेट वितरित किए जाते हैं, लेकिन मौके पर तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने पर 860 ग्राम के पैकेट पाए गए, जिस पर मौके पर पाए गए पैकेट को सीलबंद पैक कर अग्रिम कार्यवाही की गई। वहीं केंद्र पर एक भी बच्चा नहीं पाया गया। उक्त कार्यवाही में पटवारी सोनिया, राम व लक्ष्मण मौजूद थे। भाद्राजुन में पेंशन शिविर का हुआ आयोजन। सुरेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत भाद्राजुन में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर बाद 50 वृद्धाश्रम के पेंशन फॉर्म आवेदन किए गए। इसी मौके पर सरपंच सुरेंद्र मीणा, उप सरपंच हरि सिंह भाटी, ग्राम विकास अधिकारी निर्मल कुमार बामनिया, आरआई गेनाराम, पटवारी बुधाराम विष्णुई व सरपंच समस्त वार्ड पंच समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। लघु रुद्र यज्ञ महोत्सव का हुआ आयोजन। बाबूराव सुधा की रिपोर्ट के अनुसार सांचौर की लाठीवाल नगरी
लघु रुद्र यज्ञ का आयोजन एवं महंत राम भारती महाराज की जीवित भंडारा महोत्सव का आयोजन श्री नवनाथ संतु दर्शन जालोर व बाड़मेर महंत आशा भारती उम्मीदाबाद महंत रणछोड़पुरी महंत गंगानाथ सिरे मंदिर जालोर महंत कनीराम जगदीशपुरी सहित कई संतों के सानिध्य में संपन्न हुआ। इसी दौरान रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया जिसमें गायक कलाकार जोग भारती एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन मिठालाल जांगिर ने किया। जिले भर के विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित। राज्य सरकार के आदेश पर जिले भर के राजकीय विद्यालय में निजी विद्यालयों की तहत वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसके तहत अतिथियों की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विद्यार्थियों की भविष्य की शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। वही शिक्षा आदि के क्षेत्र में प्रतिभावानों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी दौरान राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय पर स्थित रॉयल एकेडमी स्कूल में आयोजित समारोह के दौरान नाटक नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इसी तरह महेंद्र पाल सिंह देवल की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती पावली गांव में चाणक्य विद्यापीठ उच्च माध्यमिक की बारहवीं कक्षा का विदाई समारोह आयोजित हुआ। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार आहुर उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमेदपुर में शुक्रवार को भामाशाह सम्मान समारोह तथा वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समापन में बारहवीं की छात्र छात्राओं को माला एवं तिलक लगाकर विदाई दी गई। इसी तरह चीनाराम की जानकारी के अनुसार जसनपुरा के पास पावटी गांव में नालंदा उच्च प्राथमिक पब्लिक स्कूल पावटी में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों को भी विदाई दी गई। इसी प्रकार ध्यानचंद ददाले की रिपोर्ट के अनुसार सियाना के पास कांदर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह नई उमंग एवं प्रवास के एक गांव का विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मोद्रा से जगनाथ सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय श्री आशापुरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोद्रा स्टेशन के प्रांगण में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव एवं पूर्व विद्यार्थी तथा भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य कृष्णाराम विष्णु ने बताया कि इसी दौरान सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के पूर्व विद्यार्थियों एवं भामाशाह को सम्मानित किया गया। वहीं बधाराम राजपुरोहित जेरण की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेरण में कक्षा आठवीं व दसवीं तथा बारहवीं कक्षा को विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच ठाकरी राम राजपुरोहित ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई कर गांव तथा माता पिता का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय गांव में संचालित जय भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान आशीर्वाद समारोह तथा विदाई समारोह का आयोजन हुआ। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालोर शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जल समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।